जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल। सो गाइज, आज हम एक बहुत ही प्यारी न्यू ट्रम्पेट की टोन को एडिट करने वाले हैं और इसे कैसियो सिटी एक्स 9000 इन या फिर कैसियो सिटी एक्स 8000 इन दोनों के अंदर एडिट किया जा सकता है। तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। और इस टोन की सबसे बड़ी खास बात यह है कि आप इसे टच ऑन करके बहुत ही स्मूथली प्ले कर सकते हैं। इसके जैसा टच आपको किसी और टोन के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। तो जब आप इसको खुद प्ले करोगे तब आपको प्रॉपर अंदाज़ा लगेगा कि आखिरी टोन किस तरीके की, किस लेवल की प्ले हो रही है। तो दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए हमने सभी टोन जो भी इसके अंदर लगने वाली हैं, यानी हमारे कॉर्ड और मेन टोन, तो इन सभी के जो लिंक हैं हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है ताकि आप उनको डायरेक्ट जाकर डाउनलोड कर सकें। और डाउनलोड करने के बाद आपको वन बाई वन कैसे सेटअप करना है वो हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। बस आपको जाकर डाउनलोड करना है, अपने कीबोर्ड के अंदर इंस्टॉल करना है और आपको नंबर याद रखना है कि कौन सी टोन कौन से नंबर में एडिट या फिर आपने इंस्टॉल करी है, और वो नंबर आपने लिख लेने हैं। उसके बाद किस तरीके से आपको टोन का सेटअप करना है वो अब हम बताने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ से हम लेयर हटा रहे हैं। तो हमारी जो सबसे पहली टोन लगने वाली है वो है हमारी मेन ट्रम्पेट। तो आपने U1 के अंदर, जैसे हमारी 883 वाली 1T के नाम से एक टोन आ रही है, ये आपने U1 के अंदर लेनी है। और उसके बाद अगर आपको इस तरीके से नहीं करना है तो आपने पहले तो सभी टोन को वन बाई वन इंस्टॉल करना है। उसके बाद उन सभी के नंबर लिख लेने हैं और नंबर लिखने के बाद आपने कीबोर्ड को ऑफ करना है, ऑन करना है, और आपके कीबोर्ड में आएगा इस तरीके से स्टेज पियानो। तो आपने यहाँ पर डायल करना है जो भी आपकी टोन नंबर फर्स्ट वाली आ रही है ट्रम्पेट। तो फर्स्ट नंबर में मैं ऐसे नाम लिख लूँगा। तो फर्स्ट टोन आपने एडिट करनी है ट्रम्पेट, यानी मेरी 883 नंबर पे आपकी जो भी नंबर पे आई है U1 पे आपने ट्रम्पेट ले ली। तो एक नंबर पे ट्रम्पेट आ चुकी है। उसके बाद हम यहाँ से जो लेयर का बटन है इसको प्रेस करेंगे और दूसरी टोन लेंगे। तो ये एक स्ट्रिंग टाइप टोन है तो हम नेम इनके 1 2 3 4 लिख देंगे। तो आपने दूसरी टोन लेनी है, दूसरी SLW के नाम से। उसके बाद यहाँ पर जो स्प्लिट का बटन है इसको प्रेस करेंगे तो आपकी थर्ड टोन आ जाएगी कोड पाइल के नाम से। और उसके बाद आपने फिर इस लेयर वाले बटन को लॉन्ग प्रेस करना है तो आपकी L2 भी आ जाएगी और ये हमारी रहेगी वर्ड कोड के नाम से। तो इस तरीके से आपके पास अब चार टोन आ चुकी हैं। तो ये चारों टोन हमने ले ली। अब U1, U2, L1 और L2, तो अभी आपके पास चार टोन आ चुकी हैं जिसमें हमारी दो कोड के ऊपर चलेंगी और दो हमारी मेन टोन के ऊपर चलेगी। अब आपके कीबोर्ड में कोई भी इस तरीके का इफेक्ट नहीं आ रहा होगा तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने इसको एक बार स्टोर कर लेना है कहीं पर भी, किसी भी नंबर पे जो आपको लगता है कि हाँ इस बैंक की इस टोन को मैं प्ले नहीं करता हूँ, तो आपने उस जगह पर इस नंबर को स्टोर कर लेना है। तो आपकी जो टोन है स्टोर रहेगी। तो अब आप जो भी सेटिंग करोगे वो आपकी गायब नहीं होगी, यानी उस नंबर से जितना आपने स्टोर कर लिया वहीं तक रहेगी। तो अभी हमारी चार टोन लेयर हो चुकी है। इसके बाद हमारा ऑक्टेव का बटन है इसको प्रेस करेंगे। U1 आपने मिलाना है, यहाँ पर आपने इसको 0 नंबर पर रखना है। उसके बाद 3 नंबर प्रेस करेंगे, U2 आएगा, आपने -2 नंबर पर रखना है। फिर L1 आता है, इसको आपने 0 नंबर पर रखना है। एंड L2 आता है, इसको भी आपने 0 नंबर पे रखना है। इतना होने के बाद आपने एग्जिट करना है और फिर जो मिक्सर का बटन दिया गया है इसको दबा के रखना है इस तरीके से। जब आपका आ जाएगा तो आपने स्क्रीन पे आएगा सबसे पहले पार्ट ऑन, फिर आपने 2 नंबर प्रेस करना है। अब आप यहाँ पर देखिए एरो लगे हुए हैं 5 2 3 एंड 1 पे, यानी आगे पीछे जाने के लिए 5 और 2 नंबर का यूज़ करेंगे और आगे पीछे जाने के लिए इस तरीके से 1 या 3 नंबर का। तो अभी हम देखिए पार्ट ऑन आ रहा था, 2 नंबर प्रेस करेंगे वॉल्यूम आ जाता है। तो अभी यहाँ पर नंबर ब्लिंक होते हैं और आपको यहाँ पर मिक्सर एंड कीबोर्ड लिखा हुआ मिलेगा। अगर आपके कीबोर्ड में इस तरीके का कीबोर्ड या मिक्सर नहीं आ रहा है तो आप ये 1 या 3 नंबर का यूज़ करके इस तरीके से लेके आ सकते हैं मिक्सर एंड कीबोर्ड। अब आप यहाँ पर नंबर देख पा रहे होंगे जिसमें ब्लिंक होते हैं, तो जो भी नंबर ब्लिंक हो रहा है उसी को हम मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई यानी वो टोन नंबर हम आगे पीछे कर सकते हैं। तो अभी हमारा फर्स्ट ब्लिंक हो रहा है तो इसका जो वॉल्यूम है हमने रखना है 98 नंबर पे पहले का। 3 नंबर से हम सेकंड में जाते हैं तो इसका वॉल्यूम 37 नंबर पे रखना है इस तरीके से। फिर 3 नंबर प्रेस करेंगे तो
जो थर्ड का वॉल्यूम है वो हमारा कोड का जाएगा, तो वो 45 नंबर पे रहेगा, एंड फोर्थ नंबर का 23 नंबर पे आपने रखना है। उसके बाद दोनों प्रेस करेंगे, पेन पेन आपका 0 0 0 रहेगा, फिर से दो नंबर प्रेस करेंगे। अब आता रिवर्ब सेंड, तो अभी हमारा 4 नंबर ब्लिंक हो रहा है, 44 नंबर पर आपने रखना है। फिर एक नंबर को प्रेस करेंगे, यहाँ पर आपने 127 नंबर पर रखना है। फिर एक नंबर प्रेस करेंगे, सेकंड में जाता है, 33 नंबर पर रखेंगे। फिर एक नंबर प्रेस करेंगे, पहले नंबर पर आ जाएगा, तो 110 नंबर पर आपने रख लेना है। उसके बाद अगेन दो नंबर प्रेस करेंगे, अब आता है कोरस एंड, फर्स्ट ब्लिंक हो रहा है, इसका रखना है 49 नंबर पे। 3 नंबर प्रेस करेंगे, सेकंड ब्लिंक हो रहा है, इसका 105 नंबर पे आपने रखना है। फिर से 3 नंबर प्रेस करेंगे, थर्ड का ब्लिंक हो रहा है, 127 नंबर पे रखेंगे, एंड फिर से 3 नंबर प्रेस करेंगे, फोर्थ ब्लिंक हो रहा है, 80 नंबर पे आपने रख लेना है। 2 नंबर प्रेस करेंगे, अब फोर ब्लिंक हो रहा है, 40 नंबर पे रखेंगे। एक नंबर से थर्ड में आएंगे, इसका हम 74 नंबर पे रखेंगे। फिर से एक नंबर प्रेस करेंगे, डीले सेंड आता है, 40 नंबर पे रखेंगे सेकंड वाले का, एंड फर्स्ट वाले का हम रखेंगे 89 नंबर पे। इतना होने के बाद आपने एग्जिट करना है, और अगेन इसको एक बार फिर से वहीं उसी नंबर पे स्टोर कर लेना है। स्टोर करने से अब आपके मिक्सर के फंक्शन जो भी हमने अभी सेट करे वो भी स्टोर हो जाएंगे। अब बारी आती है फंक्शन की, तो एक बार प्रेस करेंगे, एक नंबर से बैक आएंगे, तो आप यहाँ पर देखिए टच लिखा था, टच को आपने रखना है एक नंबर पे ऑफ। फिलहाल आप इसको ऑन भी कर सकते हैं। बैक साइड आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा इक्वलाइजर, ये 0 3 नंबर पर रहेगा। डिले हमारा 14 नंबर पे ही रहता है, कोरस एंड हमारा 1 नंबर पे रहेगा, एंड रिवर्ब सेंड हमारा 15 नंबर पे रहेगा। इसके बाद आपने एग्जिट करना है और फिर से एक बार इसको स्टोर कर लेना है। अब आप अपनी टोन को चेक करेंगे, वन साइड आपका कुछ इस तरीके का आएगा, आपका विदाउट टच, एंड जब आप इसका टच ऑन कर दोगे तो जितना आप साउंड ये कीज को प्रेस करेंगे ये बहुत ही स्मूथली उस चीज को कैच करेगा। तो दोस्तों जाइए डाउनलोड कीजिए, 1 बाय 1 नंबर से सेट करें, और इस तरीके के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर दें, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो उन सभी का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।